मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग चैप्टर नीना एंड द बेबी स्पैरोज। एक्सप्लेनेशन एंड न्यू वर्ड्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। अगर आपने नहीं देखा है, व्हाट वी यू हैव टू डू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर प्रीवियस वीडियो का लिंक है, उसे क्लिक कीजिए, देखिए एंड देन गो फॉर द एक्सरसाइज। यस, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग इज फन। Reading is fun. Question answers. First question is, why was there great joy in Nina's house? Nina ke ghar mein kyun tha bahut khushi ka mahol? Yes, your answer is, there was a great joy in Nina's house because her aunt was getting married. Kyun tha khushi ka mahol? Kyunki uski aunt jo hain wo उनकी मैरिज होने वाली थी। तो कभी भी अपना आंसर बिकॉज से नहीं स्टार्ट कीजिएगा, फुल आंसर यू हैव टू राइट। फर्स्टली देयर, देन वाज, देन ग्रेट जॉय इन नीनास हाउस, देन रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज नीना वरिड। नीना क्यों इतनी चिंतित थी? यस, क्यों चिंता थी उसको इतनी? नीना वाज वरिड अबाउट द बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। नीना इतनी चिंता उसकी किस लिए थी, इतनी वरिड क्यों थी वो? क्योंकि उसके बुकशेल्फ पर क्या था, बेबी स्पैरोज का नेस्ट था। और वो क्या करती थी, अगर वो चली जाती तो क्या था, सभी डोर्स जो हैं वो लॉक हो जाते और फिर पापा स्पैरो, मम्मा स्पैरो नहीं आ पाती। तो सिंपली यू कैन राइट, नीना वॉज वरिड अबाउट द बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मदर सजेस्ट। जब उसने अपनी मम्मा को बताया तो मदर ने क्या सजेस्ट किया इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? नेक्स्ट आंसर इज, मदर सजेस्टेड दैट द विंडो विल बी लेफ्ट ओपन फॉर द मामा एंड पापा स्पैरोज सो दैट दे कुड फीड देयर बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। मदर ने सजेस्ट किया कि विंडो जो है उसे हम ओपन छोड़ देंगे ताकि मम्मा एंड पापा स्पैरोज जो हैं वो आ जा सके और अपने बेबी स्पैरोज को फीड दे सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग। व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग। नीना को क्या मिला जब वो आती है वेडिंग से वापस, क्या मिला था उसे? नीना फाउंड टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। नीना ने क्या पाया, दो गोल मटोल छोटे स्पैरोज सारे रूम में उड़ रहे थे। दीज आर योर क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट पार्ट, टॉक टाइम। टॉक टाइम में क्या करेंगे देखिए, हाउ डू बेबी स्पैरोज ईट। बेबी स्पैरोज जो चिड़िया के बच्चे होते हैं वो कैसे खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं? पापा और मम्मा स्पैरो ब्रिंग्स फूड फॉर देम एंड पुट्स इनटू देयर बीक। तो पापा और मम्मा स्पैरो क्या करती हैं, जो उनके जो मम्मी पापा होते हैं वो उनके लिए फूड लेकर आते हैं और फिर वो उनके बीक में रख देते हैं और वो खा लेते हैं। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट न्यू थिंग्स वुड यू लाइक टू वियर फॉर अ वेडिंग। आप क्या नई चीज पसंद करेंगे पहनना जब आप किसी नई शादी में जा रहे होते हैं? यू कैन से आई वुड लाइक टू वियर। इससे हम अपना सेंटेंस स्टार्ट कर देंगे। नीना ने तो मना कर दिया था, उसे कुछ नहीं चाहिए था, बट आप लोग, आई नो आप लोग मना नहीं करेंगे। हाउ विल यू आंसर? आई वुड ऑल्सो लाइक टू वियर। गर्ल्स जो होंगी वो लिखेंगे गाउन, फ्रॉक, स्कर्ट टॉप या और कोई उन्हें जो ड्रेस चाहिए होगी। बॉयज क्या पहनेंगे, शेरवानी, फैंसी कुर्ता पजामा, ब्लेजर पैंट एटसेट्रा। ओके, तो एनीथिंग यू कैन राइट, जो भी आपको पसंद हो। नेक्स्ट, पिक्चर स्टोरी। पिक्चर्स दी हुई हैं आपको, उनकी स्टोरी देखनी है। यस,
नंबर द जम्बल्ड पिक्चर स्टोरी करेक्टली, देन राइट द स्टोरी इन प्रॉपर ऑर्डर. आपने पहले नंबर देना है, पिक्चर्स आएंगी लाइक दिस, ये पिक्चर्स हैं एंड सेंटेंसेस हैं. यहाँ लिखा हुआ है मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन, मदर कहती है हम विंडो जो है ओपन छोड़ देंगे. नीना इज हैप्पी अगेन, नीना फिर से खुश हो जाती है. नीना इज सैड, नीना दुखी है. मदर आस्क वाई, मदर पूछती है क्यों. नीना डज नॉट वॉन्ट टू लीव द बेबी स्पैरोज अलोन, नीना उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहती है. अब क्या करना है हमें, देन राइट द स्टोरी इन प्रॉपर ऑर्डर. तो पहले हम देखते हैं पहले क्या हुआ था, क्या हुआ था पहले. आपने चैप्टर रीड किया है, फर्स्टली व्हाट हैपन, नीना इज सैड, सबसे पहले नीना दुखी थी. यस, देन मदर आस्क व्हाई, मदर ने पूछा क्यों. देन नीना डज नॉट वॉन्ट टू लीव द बेबी स्पैरोज अलोन, नीना जो है क्या कहती है वो, कि मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती. फिर मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन, मम्मा ने कहा हम लोग विंडो को ओपन छोड़ देंगे. नेक्स्ट नीना इज हैप्पी अगेन, नीना फिर से खुश हो गई. अब आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट दिस स्टोरी हियर. ओके, फर्स्ट क्या था, नीना इज सैड. सेकेंड मदर आस्क्ड व्हाई. थर्ड नीना डज नॉट वॉन्ट टू लीव द बेबी स्पैरो अलोन. नेक्स्ट मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन. द लास्ट इज नीना इज हैप्पी अगेन. चलिए आगे देखते हैं, टीम टाइम, व्हाट यू हैव टू डू इन योर टीम. टेल मी वुड यू लाइक टू हैव बर्ड्स विजिटिंग यू एवरी डे, क्या आपको पसंद है कि बर्ड्स आपके पास आए डेली. ट्राई मेकिंग अ बर्ड बाथ एंड ए फीडिंग ऑर्डर फॉर बर्ड्स, अगर आपको पसंद है, सबको ही पसंद होते हैं जनरली, आप येस और नो में आंसर दीजिए. और फिर क्या करना है आपको, एक बर्ड बाथ का अरेंजमेंट करना है और फीडिंग कॉर्नर का अरेंजमेंट करना है. आप अपने घर पर भी कर सकते हैं और अपने स्कूल में भी कर सकते हैं. एक बाउल रख दीजिए, उसके अंदर पानी रख दीजिए, दे विल कम दे विल टेक बाथ. ठीक है, एक बाउल रख के उसमें क्या कर सकते हैं, आप ग्रेन्स वगैरह रख सकते हैं ताकि उनका फीडिंग कॉर्नर बन जाए, वो आ सकें और खा सकें. यू कैन प्लेस अ बाउल ऑफ वाटर इन ए क्वाइट कॉर्नर ऑफ द स्कूल प्लेग्राउंड, बर्ड बाथ के लिए मैंने बताया था आप बाउल ऑफ वाटर रख सकते हैं. एंड लीव ब्रेड क्रम्स ग्रेन्स एटसेट्रा फॉर योर फेदर फ्रेंड्स, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके ब्रेड के टुकड़े या फिर और भी कोई बाजरा होता है, जनरली बाजरा ही हम लोग देते हैं, तो वो आप डाल सकते हैं कहीं भी कोने पर, आपके जो फेदर फ्रेंड्स होंगे वो आएंगे और वो एंजॉय करके उन्हें खाएंगे. नेक्स्ट क्या करना है, लेट्स ड्रॉ एंड कलर अ बर्ड, अब आपको ड्रॉ करना है यहाँ पर एक बर्ड, वॉट एवर यू लाइक, एंड देन कलर इट ब्यूटिफुली. आगे देखते हैं, लेट्स मेक अ बर्ड. यस, नाउ दिस एक्टिविटी, लेट्स मेक अ बर्ड. प्रैक्टिकली यू हैव टू मेक अ बर्ड. वॉट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड, ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड कोई आपके पास हो तो, दाल, ब्लैक बिंदी, दाल या ब्लैक बिंदी में से एक ही चीज लीजिएगा, सीजर्स, गम, ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड शूलेस, ये सभी चीज़ें आप लेंगे. मैं आपको अभी इसके बाद वीडियो में दिखाती हूँ किस तरह से आप इस एक्टिविटी को करेंगे. मेक एन आउटलाइन ऑफ द बर्ड ऑन अ ग्रीटिंग कार्ड एंड कट इट आउट, एक ग्रीटिंग कार्ड लेना है और कट करना, एक इस तरह से स्पैरो बना के कट करना है. कट अ स्मॉल स्केयर फ्रॉम एन ओल्ड न्यूज़पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक अ फैन, कीप द फैन क्लोज्ड, एक छोटा स्क्वेयर बनाना है और अपने ओल्ड न्यूज़पेपर में से फिर फोल्ड करके उसे उससे फैन बनाना है, फिर उस फैन को बंद कर देना है. मैंने इस एक्टिविटी में जब वीडियो बनाई है उसमें मैंने शीट यूज की है, आप न्यूज़पेपर ही यूज कीजिएगा. पास द फोल्डेड फैन थ्रू द कट ऑन द बर्ड्स बैक एंड नाउ ओपन द फोल्ड्स ऑफ द फैन, फिर उसे यहाँ से एक कट लगाकर पास कर देंगे
और फिर उसके जो फोल्ड्स थे उसको ओपन कर देंगे। मेक द आई बाय स्टिकिंग अ बिंदी, सिंपली यहाँ पर बिंदी पेस्ट कर देंगे। आइज बनाने के लिए पेस्ट अ स्ट्रिंग और शू लेस टू हैंग द बर्ड। यहाँ से यहाँ पर आप शू लेस या स्ट्रिंग कोई भी पेस्ट कर देंगे और इसे हैंग कर देंगे। ठीक है, नाउ आई विल शो यू इन वीडियो हाउ यू विल डू दिस एक्टिविटी। What are the things required for this activity? One, greeting card. You can take any sheet, fold it like greeting card. Then this sheet I have taken for wings. You can take old newspaper. Bindi for making eyes. Shoelaces for tying this bird. सीजर्स एंड गम। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी। इस शीट पर आप एक बर्ड ड्रॉ करेंगे। इस तरह से बर्ड ड्रॉ कर लेंगे और एक बीच में स्ट्रेट लाइन यहाँ से भी कट देना है इस विंग्स को पास करने के लिए। अब इस बर्ड को कट कर लीजिए। टेक योर सीजर एंड कट इट आउट। देखिए, बर्ड को कट करने के बाद इस प्लेस पर भी एक कट लगाना है। यहां से हम विंग्स पास करेंगे। यस, इस तरह से कट लगाइए और ये कट जो है थोड़ा सा इतना बड़ा होना चाहिए कि इसमें से विंग्स इजीली पास हो सकें। अब देखिए विंग्स बनाते हैं। विंग्स के लिए मैंने आपको कहा था, मैंने ये शीट ली है। यू कैन टेक ओल्ड न्यूज़पेपर। यस, अब हम विंग्स बनाते हैं इसके। इस साइज से थोड़ा सा छोटा ले लीजिएगा ताकि इजीली पास हो जाए। विंग्स एक फोल्ड, देन अनदर फोल्ड। इस तरह से 5 or 6 फोल्ड्स यू कैन। देखिए इस तरह से इसे इस विंग्स को इसमें से पास कर देंगे। विंग्स अब रेडी है, बट पास करने से पहले एक बार थोड़ा सा इसकी आउटलाइन जो है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए ताकि ये क्लियरली शो हो जाए। आफ्टर दिस आउटलाइन वी विल पास दिस विंग्स। तरह से आप पास कर दीजिए विंग्स को। ज़्यादा बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा कट कर लीजिए इन्हें। यस, थोड़े से विंग्स कट कर लेते हैं, ज़्यादा कट नहीं कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से हमारे बर्ड के विंग्स तैयार हो गए। क्या करेंगे, इसकी आईज के लिए हम जो हमने बिंदी चूज की थी ब्लैक कलर की वो लेंगे और इसे आईज के प्लेस पर पेस्ट कर देंगे। ये देखिए बर्ड रेडी हो गया है। अब हमें शू लेसेस टाई करने हैं।
शूलेसेस आप पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ एक होल कर रही हूँ, होल करके उसमें से शूलेसेस पास कर दूंगी। यस, इसमें से शूलेस पास करेंगे और अपने बर्ड को हैंग करेंगे। नॉट लगा दीजिए एंड योर फ्लाइंग बर्ड इज रेडी, यू कैन हैंग इट। नेक्स्ट, नीना एंड द बेबी स्पैरोज, वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में क्या करेंगे देखिए, राइट डाउन सुटेबल वर्ड्स डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर, पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। हमें क्या करना है, हर पिक्चर, ये जो पिक्चर है इसमें एक सुटेबल वर्ड्स, इनमें से हमने देखना है यहाँ पर क्या सुटेबल वर्ड होगा और लिखना है। ठीक है, सी अ डैश वुमन, फैट, फैटी वुमन है ये। ओके, नेक्स्ट इज अ डैश रोज, कैसा रोज है, रेड रोज। नेक्स्ट अ डैश बॉय, हैप्पी, कैसा बॉय है, हैप्पी बॉय। नेक्स्ट अ ब्यूटिफुल पीकॉक, बोर्ड, कैसा बोर्ड है, ब्लैक, ब्लैक बोर्ड। हाउ इज द मैन, टॉल मैन। ओके, दीज आर नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ठीक है, जिसने इस वुमेन को, रोज को, बॉय को, पीकॉक को, बोर्ड को एंड मैन को डिस्क्राइब किया, हाउ आर दे, दीज आर नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ओके, नाउ यू हैव टू डिस्क्राइब दीज पिक्चर्स इन योर नो ओन लैंग्वेज, लाइक दिस इज अ फैट वुमेन, हेयर इज अ हैप्पी बॉय, दिस इज अ टॉल मैन, ओके, आई लाइक अ रेड रोज। किसी भी तरह से इन पिक्चर्स को आप डिस्क्राइब करके अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। से अलाउड, अब ये जो वर्ड्स हैं इन्हें हमें तेजी से पढ़ना है। ओके, दिस इज स्पॉयल, नेक्स्ट इज स्पोर्ट, स्पैरो, स्पीक, स्कूल, स्काउट, स्कर्ट, स्किप, स्कोल्ड, स्किन। ओके, रीड दीज वर्ड्स लाउडली, एस सी से भी स्क बनता है एंड एस के से भी स्क। ठीक है, इस चीज को आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू गिव यू वन वर्कशीट, नीना एंड द बेबी स्पैरोज वर्कशीट। व्हाट यू हैव टू डू इन दिस वर्कशीट, आई एम गिविंग यू अ बॉक बर्ड in this picture and here are boxes. What you have to do, write the missing words, parts of the body in the boxes. इस bird के ये parts जो हैं ये यहाँ mention करेंगे, this you will do yourself. Okay, next one more thing you have to do in this worksheet, find the names of birds by arranging these jumbled words. Jumbled words दिए हैं वो मैंने, बर्ड्स के नेम्स ही दिए हैं, आपको उन्हें रीअरेंज करके लिखना है किस बर्ड का नेम है। देखिए, दीज आर जंबल वर्ड्स, कोई भी हिंट नहीं दिया जाएगा आपको, यू हैव टू डू योरसेल्फ।
ओके, दिस इज ऑल फॉर द डे. एंजॉय योर डे एंड हैव ए गुड डे. ओके.